गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल बटन टू। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ हेयर एंड केयर रूटीन के बारे में, जो कि पूरी तरह नेचुरल है। तो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है वो प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल सिंस लास्ट वन मंथ। एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग नेचुरल फॉर माई हेयर, क्योंकि मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा था कुछ टाइम से। एंड देन आई केम अक्रॉस विद दीज प्रोडक्ट्स। आई फाउंड दिस इन अमेजोन साइट। एक्चुअली ये फ्लिपकार्ट एंड पर्पल में भी अवेलेबल हैं। तो आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट आई फाउंड सच अ ड्रास्टिक चेंज इन माई हेयर्स। अदर देन दीज टू मोर प्रोडक्ट्स आर देयर। दिस इज़ हिबिस्कस पाउडर एंड दिस इज ब्रिंगराज डीप पाउडर। अगेन दीज टू आर नेचुरल। आफ्टर यूजिंग ऑल दीज प्रोडक्ट आई फील इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज केमिकल्स ऑन आर हेयर्स वी शुड यूज दिस नेचुरल हेयर। ओके लेट मी टेल यू बेनिफिट ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स जो कि पूरी तरह नेचुरल हैं। तो ये है आंवला पाउडर, ओरिजिन्स ब्रांड का ये है। ओरिजिन जो ब्रांड है ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो आंवला पाउडर, ओके लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट आंवला। एज वी ऑल नो दिस इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी रहता है, ई रहता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंड ये हमारी जो स्कैल्प है इसको हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। ये जो है हमारे स्कैल्प को कंडीशन करता है, हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हमारे जो है वॉल्यूम है उसको बढ़ाता है, डैंड्रफ को रिड्यूस करता है और हमारे बालों में शाइन भी प्रोवाइड करता है। रीठा पाउडर जो हमारे ड्राई और फिजी हेयर होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एक नेचुरल कंडीशनर की तरह भी काम करता है, हमारे हेयर्स को जो है सॉफ्ट और शाइनियर बनाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो रिच इन विटामिन ए डी ई है रीठा। पुराने टाइम पर हमारी दादी नानी लोग भी इसको यूज़ किया करती थी। एंड दिस इज़ शिकागाई पाउडर, अगेन दिस इज़ केमिकल फ्री। दिस इज़ ऑल्सो रिच इन विटामिन ए सी के एंड डी। रेगुलर यूज ऑफ आंवला प्रोटेक्ट अवर हेयर्स फ्रॉम फर्दर डैमेज। एक्चुअली दीज थ्री प्रोडक्ट्स आर रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट एंड विटामिन्स। तो इनके अलग अलग अपने फ़ायदे हैं। 100 ग्राम का ये कंटेनर है, ये 274, ये जो कंटेनर है इसमें 274 इसका प्राइस लिखा है एक बॉक्स का। अगर आप ये कॉम्बो ये सब आप लेते हैं तो ये सारे कॉम्बो अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको बहुत भारी डिस्काउंट अभी मिलने वाला है। तो इफ़ यू वांट टू बाय इट आई एम गोइंग टू गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो चेक इट आउट। ब्रिंगराज पाउडर और ये हिबिस्कस पाउडर, ये भी बालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनका भी अलग अपना बेनिफिट है। ये जो है स्टिमुलेट करता है हमारे हेयर ग्रोथ को। हिबिस्कस फ्लावर इट रिड्यूस हेयर फॉल, ये जो है हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। एंड दिस इज़ भिंगराज पाउडर, ये भी बालों का जो झड़ना है उसे रोकता है और रिड्यूस हेयर थिनिंग और कंट्रोल प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। ये जो हमारे वाइट बाल हो जाते हैं टाइम से पहले उसे भी ये रोकता है। ये जो प्रोडक्ट है ये दीज आर टोटली फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। दीज आर फ्री फ्रॉम पैराबीन, सल्फेट एंड एनी काइंड ऑफ मिनरल ऑयल्स। येस पैच टेस्ट इज़ रिकमेंडेड बिकॉज रिजल्ट में वेरी इट सूट्स मी वेल, मेरे को अच्छे से सूट किए थे। हेयर मास्क कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो लेट अस मेक हेयर मास्क ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स। तो एक बाउल में मैंने तीनों पाउडर्स ले लिए हैं, रीठा, आंवला और शिकाकाई। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आंवला पाउडर जो है वो सब कुछ सूट नहीं करता, तो आप पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लें और आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा बड़ी है तो 2 स्पून आप ले लीजिए सभी पाउडर्स के, और इसमें हिबिस्कस पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और यह है भृंगराज पाउडर, इसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप बालों में मेहंदी लगाते हैं तो वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें करते हैं ऐड पानी। इसमें हम दही भी डाल सकते हैं। पानी इतना डालिए जिससे एक अच्छा थिक पेस्ट बन जाए, जिससे बिल्कुल भी लम्स ना रहें। और हमने इसमें ऐड किया है रीठा पाउडर जो कि क्योर करेगा बैक्टीरिया और अदर स्कैल्प इन्फेक्शन। अगर बाल फ्रिज हैं तो उसे हटा देगा, कंडीशन करेगा और बालों में शाइन भी देगा।
आंवला पाउडर हमें पता है ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्कैल्प और रूट को स्ट्रेंथ से मिलती है, बाल मजबूत हो जाएंगे, फॉर स्कैल्प में इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और ऑब्वियसली आंवला पाउडर के लिए आपको पैच टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये हर किसी को सूट नहीं करता। और शिकाकाई पाउडर, इसमें शिकाकाई पाउडर हमने डाला है, ये बालों को कंडीशन करेगा, इचिंग अगर स्कैल्प में है तो उसे हटाएगा, शाइन देगा, कंडीशन करेगा और हेयर ग्रोथ करेगा। एंड हेयर इट इज़ रेडी टू अप्लाई। वी कैन अप्लाई दिस हेयर मास्क ऑन आवर हेयर्स वंस इन अ वीक। अप्लाई इट थॉरली फ्रॉम हेयर रूट्स टू हेयर टिप। इस हेयर मास्क को आपने हेयर वॉश करने के 30 मिनट्स पहले अपने हेयर पे अप्लाई करना है और इसके बाद आपको शैम्पू यूज़ नहीं करना। इफ़ यू गाइज हैविंग एनी क्वेरी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। If you are interested, check out the link below in the description.